हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैक्स्ट्रा ओरल ड्रॉप का रिव्यू। दोस्तों इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका पैक दिखा देता हूँ, इसका पैक किस तरीके का है। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 ml की इसकी पैकिंग है। और बात करते हैं दोस्तों इसके कंपनी के बारे में, तो जुवेंटस कंपनी इसको बनाती है, जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी इस दवाई को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और बात करते हैं इसके MRP की, तो दोस्तों इसका MRP है 57 इसका MRP है। और बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके साल्ट के बारे में, तो दोस्तों इसके अंदर होता है फेनिलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और क्लोरोफेनरामाइन मेलेट होता है 2 mg। ये दोनों साल्ट इस दवाई के अंदर डाले गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको अंदर से इसका पैक खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके की ये निकलती है। इस तरीके का ये दोस्तों, इसमें एक ड्रॉपर निकलता है और इस तरीके की ये ड्रॉप निकलती है। एक ये ड्रॉप होती है और एक ये ड्रॉपर होता है, जिसके ज़रिए हमें कितना ml देना है वो सब इसके अंदर मेंशन है, उसी हिसाब से इसमें से बूंद बच्चों को पिलाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में और किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये दवाई एक पेडियाट्रिक ड्रॉप है, ये छोटे बच्चों के लिए होती है, जो 5 से 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। जिन बच्चों को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है और नाक बंद हो जाती है, बच्चों को पसलियाँ चलती हैं और जितनी भी सर्दी की खांसी की प्रॉब्लम होती है बच्चों में, उन सब कामों में इस दवाई का इस्तेमाल कराया जाता है। और दोस्तों ये दवाई आपको जो है डॉक्टर से रिकमेंड करके ही लेनी चाहिए। डॉक्टर को पहले आप जो है दिखाने जाओगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, तभी उसके बाद ये दवाई बच्चों को पिलाएं, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों के लिए जो है आप अपनी मर्जी से दवाई नहीं दे सकते हो, तो आपको जब भी ये दवाई देनी हो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को आप दिखाएं, उसके बाद ही इस दवाई को लें। और ये आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके डोज के बारे में, किस तरीके से देनी है। तो दोस्तों डोज वो बच्चे पर डिपेंड करता है, बच्चे की एज कितनी है, कि वो कितने दिन का है या कितने महीने का है, उसी हिसाब से ये जो दवाई दी जाएगी। और जब आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि कितने ml देनी है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रॉप है इस ड्रॉप के हिसाब से दी जाती है। इसके अंदर जो है 0.1 से लेकर 0.5 ml तक के जो है निशान मेंशन किए गए हैं, उसी हिसाब से दवाई पिलाई जाती है। और दोस्तों ये दवाई जो है आपको दिन में 2 टाइम देनी है बच्चों को, और इसी तरीके से इसका यूज़ करें। और ये था दोस्तों मैक्स्ट्रा ड्रॉप का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और दोस्तों फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।